नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता है, हो सकता है कि चीन ऐसा मानता हो। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। 2020 में दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई और हमारे जवानों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कहा कि शायद यही कारण है कि भारत के प्रति चीन का नजरिया बदल गया है। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत अब कमजोर नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले हम रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक हुआ करते थे, वहीं लेकिन अब हम रक्षा बसों के निर्यात के मामले में शीर्ष 25 देशों में हैं। वहीं ब्रिटेन को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ब्रिटेन के साथ समृद्ध साझेदारी चाहता है। उन्होंने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, दोनों देश एक साथ मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शार्प्स के साथ ब्रिटेन भारत रक्षा उद्योग सीईओ गोल मेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने आगे बताया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी आ रही है, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र सकता है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। बता दें कि ब्रिटेन दौरे पर राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, रक्षा मंत्री ग्रांट शार्प्स और विदेश मंत्री डेविड कैमरन समेत कई नेताओं से भी मुलाकात की।